आजादी को दशकों बीत गए, एक तरफ भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी कई काम अंग्रेजों के जमाने के नियमों के तहत ही हो रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश के चंदौसी का डाकघर और यहां जो होता है उसे सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। साइकिल से उतरता ये शख्स अपने हाथ में एक बोरी लिए थाने पहुंचा है, क्योंकि ये इसका काम है। इस बोरी में है डाकघर में जमा कराई गई लोगों की गाढ़ी कमाई और दिन भर के कमाए रुपए, और इसे ये कोतवाली में जमा कराने पहुंचा है। देखिए इन रुपयों को कैसे इस पुरानी पेटी में बंद करके उस पर सरकारी सील लगाई जाती है। अब ये सील सुबह फिर खुलेगी, पैसे निकाले जाएंगे और डाकघर ले जाए जाएंगे। हम शाम को हमारे लिए बिक्री आता है बहुत पहले से, कि जो भी हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं जैसे NSC वगैरह हैं या इस तरह की स्टैम्प वगैरह, वो हम शाम को अपना सिक्योरिटी बैंक स्कूल हैं वो कोतवाली कस्टडी में होती है। ये परंपरा ये बहुत समय से है और उसी का अनुपालन। आपके मन में सवाल होगा कि भाई ई बैंकिंग पर जोर देने वाली सरकार को क्या ये सब नहीं दिखता? तो जनाब जवाब आपको मालूम है। बहरहाल आज़ादी के बाद से यही प्रक्रिया चंदौसी के इस डाकघर में हर रोज दोहराई जाती है। क्यों? क्योंकि यही यहाँ का कायदा है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस डाकघर को अंग्रेजों के बनाए इस नियम से आज़ादी कब मिलती है। पंकज शर्मा के साथ सद्दाम, नवोदय टाइम्स, संभल।